हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रसोई की रौनक में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसाला चिकन रेसिपी, जिसे हम सिर्फ 10 मिनट में बनाकर रेडी कर लेंगे और जिसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की इंस्टेंट चिकन मसाला रेसिपी। सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लेंगे। अब हम प्रेशर कुकर में ऑयल डालेंगे, तो मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दूंगी। तेल गरम होने के बाद हम इसमें एक कटी हुई प्याज डालेंगे। हमने मीडियम साइज की प्याज को कट कर लिया है। अब हम इसे हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। हमारी प्याज हल्की गुलाबी हो गई है। अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पकाना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चों को मैंने बीच में से कट लगा लिया है। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज का टमाटर डाल देंगे, जिसे हमने बारीक काट लिया है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे कुछ देर तक इसी तरह से हलाते हुए मिक्स करना है। हमें मसाले को अच्छे से पका लेना है। हमें मसाले को लो फ्लेम में पकाना है, तो हमने 1 से 1.5 मिनट तक मसाले को अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे, तो मैं यहाँ पर 3 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। दही आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप 1 चम्मच और दही ऐड कर दें, या फिर आपको कम दही पसंद है तो आप इसमें 2 चम्मच दही ऐड करें। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच दही का यूज़ किया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कुछ देर तक धीमी आंच पर पकने देंगे। हमें इसे अच्छे से चलाते हुए पकाना है ताकि हमारा मसाला नीचे चिपके ना। अब मैं यहाँ पर चिकन डाल दूंगी। तो ये मैंने 1/2 kg चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे कुकर में डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें चिकन को 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से पकाना है। हमने चिकन को 2 मिनट तक इसी तरह से पका दिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने पूरे 5 मिनट तक चिकन को इसी तरह चलाते हुए पका लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 1/2 ग्लास इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उसमें उतना पानी ऐड कर दें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और इसे 2 व्हिसल आने तक पकने देंगे। अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट चिकन पसंद है तो आप 3 व्हिसल लगा लें। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी और इसे 2 व्हिसल लगा लूंगी। अब हमारे कुकर ने 2 व्हिसल लगा ली है और अब हमने इसे खुद से ठंडा होने दिया है। अब हम कुकर का ढक्कन खोलकर अपना चिकन मसाला चेक कर लेंगे। तो इस तरह से हमने चिकन मसाला रेडी कर लिया है। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हमने इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाकर रेडी कर लिया है और इसे बहुत ही कम टाइम में हमने बनाया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस
तरह से मैंने अपना चिकन प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं हमारा चिकन मसाला बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है और इसका टेस्ट खाने में भी बहुत अच्छा है। और इसे हमने बहुत आसानी से और बहुत ही कम टाइम में बनाकर रेडी कर लिया है। तो आप भी इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड में और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं एक और ऐसी ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी के साथ।